बाबा जी बताओ अब पहली बात है कोकिला माई है माँ का नाम कोकिला है कोटगाड़ी में कोकिला माई वास करती है, है? कोटगाड़ी इसका नाम नहीं है कोटगाड़ी गांव का नाम है अच्छा और जो है कोकिला माई इसका नाम है वो कंठ में वास करती है तभी कोर्ट का फैसला माना जाता है ओनली नंबर जब ये लोग कहते हैं कि चंद राजा का समय था चंद राजा जो है इनको कहीं हरिद्वार से लेके आया इतना ही का ज्ञान है इन्हें पता कहाँ से आया तो लिया करके यहाँ सामने गेल्थी है गेलती में वहाँ राम लोग विश्राम करने लगे तो वहाँ से वो शक्ति उठी नहीं उठी नहीं तो फिर बटकोरा को जो है चाणक हुआ यहाँ बटकोरा जी हैं तो बटकोरा लोग उनसे बोले कि हमारा स्थापना यहाँ कर दो तो शक्ति के लिए आगे लोग यहाँ स्थापना कर दिए तो उसी समय से वो बटकोरा लोग यहाँ के पहले पुजारी रहे यहाँ ये यह लोग पूजा पाठ करते थे फिर उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ फिर कोटगाड़ा आ गया खुड़गाड़ा के आने के बाद में फिर उनके साथ भी पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं फिर मधिगाव के पाठक लोग आए यही यहीं तक का मेरा यहाँ ज्ञान है हैं आगे के रही तेसी शक्ति शक्तिपीठ है यहाँ योनी की पूजा होती है एक जगह जो है क्या है कामाख्या में भी योनी का पूजा होता है तो जो है वहाँ तंत्र की देवी है वो यहाँ मंत्र की देवी है ये हिमालय में मंत्र की पूजा चलता है और जो है उधर जो है तंत्र की पूजा चलता है तो ये ये शिव पीठ है यहाँ जी पार्वती हमेशा वास करते हैं और जो है अब रही बात तो मैंने भी यहीं पर सुना है एक जगह एक बात और कभी ऐसे ही बात में बात चल जाए तो फौजी बाबू आया यहीं है पर डीडी डी हाट के रहने वाले थे तो कहा कहने लगे बाबा जी ऊपर का अंग पूजा इसका वहाँ होता है वैष्णो देवी में नीचे के अंग का पूजा यहाँ होता है कोटगाड़ी में वहाँ अगर जो तुम पुजारी से पूछा पूछोगे कि भाई बतला यहाँ का हिस्ट्री जैसे यहाँ पूछने लगे तो वहाँ के पुजारी यही कहेगा कि ऊपर के अंग का पूजा यहाँ होता है नीचे का अंग का पूजा कोटगाड़ी में होता, होता है लेकिन कोटगाड़ी कहाँ है उनको नहीं पता है हाँ इतना जरूर है कि कोटगाड़ी में पूजा होता है तो जो है ये माँ जो है वैष्णो है है शिव शीव शिव पार्वती प्रिया है ये है जहाँ शिव है वहीं शक्ति है जहाँ शक्ति है वहीं शिव है क्योंकि बिना दुना के दोनों के मिला के पूर्ण है ये हैं अलग अलग नहीं है और आगे के क्या कहना भगत ये जो है यहाँ जो भी आता है कोई कुछ मांगता है तो दे देती है बिल्कुल है ना नहीं है क्योंकि भगवान हमें देने के लिए ही तत्पर है और फिर क्या नाम है शिव शक्ति है ये और जो है यहाँ राग द्वेष ईर्षा का भी पूजा होता है राग द्वेष ईर्षा जैसे हमारे भूत हो गए हैं उन उनकी भी जो है यहाँ निवारण हो जाता है लेकिन तरीका से होता है इन लोगों को ज्ञान नहीं है इस चीज़ के बारे में कि यहाँ कैसे पितरों का उद्धार होगा क्योंकि कोई समय ऐसा था कि लोग यहाँ से पैदल जाते थे कहाँ गया हैं कहाँ जो है प्रयागराज है हरिद्वार है इन लोगों को दूर जाने में पड़ता था तो माँ बोली कि भाई तुम लोग कहीं जाओ नहीं इतना दूर कोट ओट की फैसला और गजा राग द्वेष हिस्सा की पूजा तुम्हारी हम यहीं कर देंगे तुम्हारा हम फैसला यहीं कर देंगे इधर उधर कहीं जाने क्योंकि दूर का माहौल है ना है तो इधर जो है माँ कोकिला माई यहाँ इसके अगल बगल शक्ति पीठ हैं जैसे हंगारा माई है चंडिका माई है जयंती माई है फिर इधर महाकाली है इधर जयंती भद्रकाली है तो ये शक्ति पीठ है ये शक्तिपीठ हैं ये पुमाऊँ में ये शक्तिपीठ हैं ये अब इनको समझना बड़ा दुर्लभ है भाई शक्ति किसी को समझ में नहीं आती है और सनातन किसी को समझ में नहीं आता है बनाया हुआ चीज़ को समझ में आ जाता है इंसान को है ये बनाई हुई चीज़ नहीं है हमें ये बना रखी है, है? हम किसी जो हमारी कल्पना नहीं है ये हैं तो जो है भोलेनाथ की ऐसी माया है यहाँ ये जो जल देख रहे हैं ये कैलाश मानसरोवर से आता है कैलाश मानसरोवर से ये पानी ये जल आ रहा है माँ के शक्ति से ही निकलता है नीचे हा, हा, ये नीचे जो पर आ रहा है हाँ हाँ ये माँ के ही शक्ति से निकलता है जल अब ये जल जो है और रही हम भी कैसे आए यहाँ तो हम अपनी मर्जी से नहीं आए हमें भी लाया गया है यहाँ पर मैं रहता था गंगोत्री अठानवे के पहले गंगोत्री रहता था मैं वहाँ गंगोत्री में मैं जो है गुफाओं में रहता रहा करता था तो एक दिन अचानक ऐसे हुआ धुने पर बैठा हुआ था वहाँ गुफा में भजन कर रहा था मैं तो भजन में मुझे यहाँ के दृश्य सब दिखने लगा यहाँ का दृश्य दिखने लगा मैंने बोला भाई ये दृश्य एक दिन देखा दो दिन देखा तीसरे दिन फाइनल हुआ तीसरे दिन फाइनल हुआ कि केशव गिरी तेरी ड्यूटी बदल गई है अब तुझे यहाँ जाना है, भाई यह है तो भाई ये है कहा तो कुमाऊ मंडल में चलो खोई समय आया ऐसा कि मैं घूमते घामते मैं मेरा भी मैंने भी वहाँ कहा भाई ठीक हमारी ड्यूटी बदल जा रही है तो कम से कम गंगा माई का जब पट बंद होगा तो हम इसी के पीछे पीछे आएंगे वैसे ही फिर मैं गंगा चल्ण. माई हैं तो घूमते घामते मैं यहाँ आ गया अठानवे में अठानवे से मैं यहाँ हूँ माँ मुझे यहाँ का नागरिकता भी दिला रखी है हम तो रहने वाले कहीं के और हैं है? नागरिकता दिला रखी है से जैसे यहाँ मैं तकरीबन तकरीबन यहाँ हमारे रहते रहते में दस ग्यारह बारह भागवत भी हुआ है खूब रामायण हुए यहाँ रामायण के यहाँ किसी को ज्ञान नहीं था यहाँ के आम जनता को पब्लिक को किसी को ज्ञान नहीं था रामायण होता क्या है लेकिन रामायण का ज्ञान माने ही बोला भाई यहाँ रामायण पहले कर फिर भागवत कर भागवत उगवत होता कहाँ होता था यहाँ थोड़ा सा यज्ञ पूजा हो गया तो हो गया हवन वन लेकिन वैसा भी कुछ नहीं होता था फिर जो है यह सब का संचालन मैंने जो है माने मेरे को बतलाया जैसे उसी हिसाब से मैंने इस चीज़ का संचालन करा है? आज दिन खूब आनंदमय है लेकिन आज के समय में द्वेष ईर्षा ज़्यादा हो गया है हैं लोगों का खान पान सही नहीं है हैं और फिर गलत वायरस भी है <laughs> न खान पान होने की वजह से सही फिर हमारे अंदर में गलत वायरस घुस जा रहा है अब उस गलत वायरस के बारे में हमें ज्ञान नहीं है क्योंकि जो बोल रहा है वो भी वायरस हैं जो भी शरीर के अंदर से आवाज़ जहाँ से तो वायरस रूपी है वो लेकिन जो गलत अलग से वायरस जो घुस जा रहा यह इंसान का संतुलन ख़राब कर दे रहा इंसान समझ नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है हमारे साथ हैं अब इंसान समझ नहीं पा हम तो यहाँ देखते हैं ना हैं कहते हैं यार ये तो आदमी ऐसा आया था हाँ हाँ कर रहा था यहाँ यहाँ आते ही ठीक कैसे हो गया भाई क्या बात है तो माँ तो ठीक तो कर देती है यहाँ लोग आते हैं पब्लिक आती है कितने लोग आगल पागल आए ठीक कर देते लेकिन ये बाउंड्री के बाहर जाते ही वो गलत वायरस वाले खड़े रहते हैं उसे गलत वायरस उसके अंदर में फिर डाल देते हैं आ इंसान को समझ नहीं पा रहा है ये गलत वायरस कोई भी डाल सकता है माँ बाप को छोड़ करके कारण क्या है ये राग द्वेष शीर्षा धन दौलत के चक्कर हैं या जमीन का चक्कर है है या हम यहाँ अच्छा प्रफुल्लित हैं तो इसको किसी तरीके से भगाओ चाहे जैसे भी भागे हैं उसकी मति भ्रष्ट करके उसके परिवार में घृणता ला दे रहे हैं हैं माँ 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 बेटा जो है आपस में जो है लड़ जा रहा माँ भा, बाप भाई भाई बेटा आपस में लड़ जा रहा भाई बहन आपस में लड़ जा रहे हैं कारण यही राग द्वेष की इषा है तो इस राग द्वेष को भी माँ जो है फैसला कर देती हैं फिर जो है क्या नाम है जैसे कोर्ट कचहरी की बात आई आपके कोर्ट में जो है नहीं काम हो रहा है नहीं लोग जो है फैसला हो पा रहा वहाँ है वहाँ कोर्ट में जो है जज बोल रहा भाई बतला अरे तेरा ऐसा होने वाला फांसी होने वाला चाहे सजा होने वाली है अगर जो थी वो हाँ वह इंसान खड़ा होकर के कह देता जज साहब एक बार मेरी माँ से जो है ये कोर्ट गाड़ी माई फैसला करेगी कोकिला माई आपसे नहीं फैसला हो रहा हमारा राग दोष कोकिला माई का है ये कोकिला माई जानेगी कि मैंने गलती किया है या नहीं किया। है तो जज भी जो है वो केस उठा करके बोलता भाई तू जा कोर्ट गाड़ी वहीं तू जा करके फैसला कर यहाँ तेरा फैसला नहीं होना है, है तो इस तरीके से भी हो जाता है यहाँ और रही जमीन की बात कोई ज़मीन हमारा हड़प लिया हमसे नहीं वो हम संभाल पा रहे हैं उसको वो जबर है, जबरदस्ती है तो यहाँ आके कह देने पर वो जमीन भी दिलवा देती है वो स्वयं आकर के दे जाता है कहता भाई तू अपना पवा है ये तो देखा मैंने प्रत्यक्ष पच्चीस हाँ हाँ तो जो है और एक चीज ऐसे भी देखा कि ये जो गलत वायरस डालने वाले हैं हम इनको समझ नहीं पा रहे हैं हम अपने दुख को लेकर के भगवान के पास नहीं जा रहे हैं अपने दुख को लेकर के हम आपस में ही नर नारी के ऊपर ही विश्वास कर ले रहे हैं अब ये नहीं समझ पा रहा है कि ये क्या है इंसान ये नहीं समझ पा रहा वो जाने पुशियारी पूछ जो करने जा रहा है ये नहीं समझ पा रहा कि ये भाई क्या है क्या पुशियारी का मतलब क्या हो अब पुशियारी है तो कैसा है ये उसको ज्ञान नहीं है लेकिन वो क्या है? दुखी है दुखी होने की वजह से उसके पास वहाँ पहुँच रहा है, हो तो पहुँचने की वजह से जो है वो हमारे साथ गलत खिलवाड़ करने लगा क्योंकि वो गलत वायरस का शिकार हो गया शिकार वो स्वयं शिकार बना रखा है अपना गलत वायरस का वो अब उसको भी अब आ, आ, क्या नाम है खाना तो सबको चाहिए भोजन किसको नहीं चाहिए हैं है? तो वो जो सीख रखा है क्योंकि वो तो चतुर है जो सीख रखा है कि हम गांव से बैठे बैठे खाएंगे इनको उनको लगा करके वो आकर्षित करके मेरे पास लेके आएगा हैं हाँ और दुनिया समझ पाएगी नहीं अरे भाई समझेगी भी तो क्या प्रूफ है इसका जैसे अभी देखे थे ना वहाँ पर क्या नाम है दिल्ली में तेरह आदमी फांसी लगा के मर गए एक ही परिवार हल्ला हुआ था ना आज के डेढ़ दो साल से पहले की बात है ज्यादा हो गया इस पर मैंने मां से रिसर्च किया था मां से मैंने पूछा था माँ ये क्या है तो उस पीरियड में मैं भी कुछ ऐसे ही, ही चल रहा था अपने 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 जो है शारीरिक ऐसे ही हालात मेरे साथ चल रही थी माँ ने बोला भाई जो तू भुगत रहा वही चीज है ये मैंने बोला कितने पूरा परिवार को बोला एक ही आदमी है एक ही आदमी है वो एक ही आदमी पूरे परिवार को खिला करके गुमराह करके फांसी लगवा दी वो गलत वायरस क्या है गुमराह कर देता है इंसान को जैसे सम्मोहन कह रहे हो आप हैं तो सम्मोहन के ही जैसे वो सम्मोहन यार वो चीज़ क्या है कि वो भोलेनाथ भी बन जाएगा हैं पार्वती माई भी बन जाएगा हैं स्वयं सेरा वाली बन जाएगा गणेश वो बन जाएगा मतलब जितने भी हिंदू के हाँ हिंदू के देवी देवता हैं वो सब बन जाते वो उस गलत वायरस में इतनी बड़ी खूबियाँ हैं और वह वा गलत वायरस क्या है अब जिसको भूत कहते हैं